हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों को एक न्यू व्लॉग में। और आज सुबह के 7:30 से ही मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ स्काउट। पता नहीं कोई जीएम मीटिंग है, तो इसके लिए देखते हैं यहाँ क्या होगा। मैं वहाँ पे भी व्लॉगिंग करने की ट्राई करूँगी। कल मैंने व्लॉग करने की शुरू की थी, बट बाद में जाके नहीं हुआ। देन फिर जाके बहुत कुछ दिखाने लायक था, लेकिन जल्दी जल्दी में मैंने नहीं दिखाया। तो बने रहिएगा आज के ब्लॉग पे। मैं आगे पूरे दिन पे क्या क्या होगा मैं दिखाती रहूँगी, ठीक है। कितनी मस्त धूप दे रहा है, और बहुत देर से मुझे मॉर्निंग वॉक में आने का ऐसा दिल कर रहा था, बट वक्त नहीं मिला था। तो आज ना मॉर्निंग वॉक भी हो गया, क्योंकि ज़्यादा लोग उठे नहीं है, और उठे भी है तो घर पर ही है। रास्ते पर ज़्यादा लोग ही नहीं है, कोई नहीं है। देखो अच्छा लगता है मुझे ऐसे चलने में, म्यूजिक ऑन और फिर वॉकिंग। हेलो गाइस, इट्स 3:38 और 4 बजे से ट्यूशन है। बीच में कितने मिनट्स है, 22 मिनट्स। इसमें ही मुझे घर पे जाना है, ड्रेस चेंज करना है, देन मुझे जाना है ट्यूशन, देन जाना है, तीन ट्यूशन करके घर जाना, दी के घर जाना है। आई डोंट नो ये सारे चीज़ें मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ। सुबह 7 बजे उठी थी, और 7 बजे उठ के 30 मिनट्स में रेडी होके मैं चली गई थी उधर पे, हाँ स्काउट चली गई थी। आप लोगों को दिखाया था, मैं मिली थी शायद तब से आप लोगों से। उसके बाद जो वहाँ पे गई, वहाँ पे आज आईआईई गुवाहाटी से आईआईई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कुछ लोग आए थे। मैं बात करती हूँ तो उधर से कुछ लोग आए थे, और फिर उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई, बहुत सारे, आई थिंक 4-5 आवर्स का सेशन था। 2-2:30 बजे ये ख़त्म हुआ था हम लोगों का पूरा एक लंबा सेशन। उसके बीच में सिर्फ रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ा सा वक्त मिला था, अदरवाइज पूरा सेशन था, जिसमें हम लोग को स्टार्टअप कैसे करना है, हम लोग एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, कैसे अपना कुछ कर सकते हैं, मतलब और दूसरों को भी हम जॉब कैसे दे सकते हैं। अभी तो खुद का भी नहीं हो रहा है फिर भी, तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में हम लोगों को सिखाया गया, जो कि हमें यूज़ करना है अपने लाइफ में आगे। वो सब सीख के फिर मैं चली गई थी ट्रेडिंग करने, क्योंकि आप लोगों को कल एक्चुअली मैंने ब्लॉगिंग किया था और तभी आप लोगों को वीडियो दिखाया था। मैं अभी एक क्लिप लगाती हूँ, देखिए। आज मैं सोच रही हूँ अपने ये खास जैसे आईब्रो को मैं थोड़ा सा सही पे लाऊँगी, मतलब आज मैं ट्रेडिंग करूँगी खुद से नहीं दूसरों से। मैं इसलिए ट्रेडिंग करने चली गई थी, और ये रहा मेरा ट्रेडिंग। आप लोग बोलिएगा कि सही है कि नहीं। एक्चुअली खुद को ये देखो अभी भी लगा हुआ है, एक्चुअली खुद को पता नहीं चलता। फिर उन्होंने जैसे भी करके दिया, मैंने ओके कर दिया, और मुझे बहुत जली, आई थिंक थोड़े बहुत मेरा स्किन भी निकल गया होगा ऐसा मुझे लग रहा है। घर जाके देखूँगी तो पता चलेगा। बहुत दर्द हुआ मुझे इस बार, मतलब लास्ट से इस साइड में ज़्यादा दर्द हुआ, क्योंकि क्या है कि मैं बहुत दिनों से नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से बहुत मोटे मोटे हो गए थे, तो मुझे बहुत दर्द हुआ, बट इट्स ओके, इट्स फाइन। तो ये मेरा हो गया है आईब्रो बनाना, और अभी मैं बहुत थक गई हूँ, घर जाती हूँ जल्दी से। कितने मिनट से पता भी नहीं है, जल्दी से जाके मुँह हाथ धो के फ्रेश होके मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ इधर के लिए। बने रहिए वीडियो पे, देखते हैं और आगे आप लोगों को कहाँ मिलूँगी। हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं कितने, 4:20 गाइस, 4:20 हो रहा है, और
मैं 20 मिनट्स ऑलरेडी लेट हूँ, अभी आप लोगों से बात करते करते मैं 30 मिनट्स लेट हो जाऊँगी, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती। पहले तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी 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 करती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इंसान हूँ, उड़ तो अभी सकती नहीं, क्योंकि सुबह 7:30 को चलना शुरू किया था, उसके बाद से दिमाग कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू काम कर रही हूँ। मैं भी इंसानी हूँ, पर ये तो हो नहीं कि मैं उड़ उड़ के सवेरे काम कर दूँ। अभी मेरे को इतना सर दर्द हो रहा है, 3 ट्यूशन करना होगा, तो इतना मेहनत कैसे करूँगी। तो मैंने सोचा लेट होगा तो होगा, मैं आराम से रेडी हो जाती हूँ। रेडी भी मुझे लिपस्टिक भी नहीं लगाना था, मैं इतना ज़्यादा टाइम तक लिपस्टिक कैरी करना पसंद नहीं करती, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, कुछ गंदा फीलिंग आता है, बट एकदम गंदी दिख रही थी तो मैंने लिपस्टिक लगा लिया। हेयर भी मैंने जुड़ा बना लिया, क्योंकि हेयर भी कॉम करने का दिल नहीं कर रहा था। मुँह हाथ धो के एकदम फ्रेशन अप होके, जैकेट देखिए यहाँ पे मैंने गांठ मार ली है, क्योंकि गर्मी है, तब से मैंने जैकेट इसलिए पहन के रखा था क्योंकि मुझे जैकेट खोल के हाथ में नहीं लेना था, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इस वजह से अभी मैंने जैकेट ऐसे गांठ मार लिया है। ट्यूशन पे जाके खोल लूँगी और फिर ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ठंडी ना लगे, तब तक इसको हाथ में कैरी करना पड़ेगा। चलो हमें मेहनत करनी है और बहुत मेहनत करनी है। हेलो, आप लोगों की फटकती हुई आत्मा इधर है। मिस्टर हस्ती की लाइट जला रही थी, नहीं जलता, खराब हो गया। मेरा एक ट्यूशन ख़त्म है, फिर और 2 ट्यूशन है, जो मुझे एक नीचे तक जाना था, अभी मतलब नीचे तक जाना था, नीचे जाके बहुत दूर जाके फिर से घर के पास आना था, बट ये लास्ट ट्यूशन वाले को मैंने मना दिया है कि आज अभी ही कर देते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, तो अभी करके मैं एक बार ही नीचे चली जाऊँगी। देखो मैं हाफ रही हूँ, इतना सा उठी और हाफ रही हूँ, थकी हुई आत्मा। तो यही अभी तक का अपडेट है। हेलो गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ घर, कब का ही एक्चुअली पहुंच गई। ये रही मेरी मम्मा, मम्मी एक्सरसाइज कर रही है क्योंकि मम्मी का भी पेट बहुत बड़ा हो गया है, तो इस वजह से। और मैं तो आ गई थी, बट इतना ज़्यादा मुझे हेडेक हो रहा था कि मेरा ना चलना मुश्किल हो रहा था, मैं बात भी नहीं कर पा, इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था। तो मैंने नवरत्न लगा लिया, यूजली मैं नहीं लगाती, बट आज मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे लगाना ही था, तो इसलिए मैंने, क्योंकि सेरीडन खाने से अच्छा है कि मैं यही लगा लूँ, तो एकदम भर भर के ऑयल लगाया है कि मेरा सर दर्द कम हो जाए। और दूसरी बात यह है कि अभी होप करती हूँ कि कम हो जाए। और अभी मम्मी ने खाना वाना बना ली है, मैं वो सब आप लोगों को दिखाऊंगी नहीं दिखाऊंगी देखते हैं। लेकिन मम्मी ने यहाँ पे ना चटनी बनाने के लिए दिया है मुझे चटनी, सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को एक बार ही दिखाऊं। अभी मम्मी ने सब कुछ कर दिया है, सिर्फ मुझे मिक्सी में ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। ये देखो ये चटनी, यहाँ पे चने हैं और फिर अदरक, लहसुन, मिर्ची, नमक, तेल सिर्फ नहीं डाला, सब कुछ डाल के मम्मी ने दे दिया है। अभी मैं इसको ग्राइंड करूँगी और फिर एक अच्छी सी चटनी बन के तैयार हो जाएगा। इसके इस पर तो धनिया भी देना चाहिए था, मम्मी ने पता नहीं क्यों नहीं दिया, तो मैं इसको ग्राइंड करके आती हूँ। हेलो गाइस, हम लोगों का खाना रेडी, मैंने वो कर लिया, अभी आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सच्ची में मैं थक गई हूँ। और मिलूंगी कल एक न्यू व्लॉग के साथ, कल हमारे लिए एक स्पेशल डे है, क्या स्पेशल डे है वो कल के व्लॉग में बताएंगे। आज का तो व्लॉग लंबा हो गया है, तो आज के व्लॉग से बाय बाय करते हैं। लंबा हुआ कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हुआ होगा तो जो भी हुआ होगा अपलोड कर दूंगी। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, आप लोग खुश रहो, हैप्पी रहो और मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यार दो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो। और अगर आप लोग भी IIE जाना चाहते हो, गुवाहाटी में है, सर्च करो गूगल में और जाओ, वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज है, मुझे आज ही पता चला। इतना जो लोग मतलब स्टार्टअप करना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो वो लोग जा सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं कि कैसे उनको
काम करना है, बिजनेस आगे लेके जाना है, अगर कोई रिश्तेदार जा सकते हो, मतलब मैं कोई मतलब यहाँ पे प्रमोशन नहीं करी, लेकिन मैंने ज़िंदगी में जो जो प्रॉब्लम फेस की है, आप लोग ना करो इसके लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि हमें तो बताने वाले कोई नहीं है, हम ऐसे ही सीख रहे हैं, लेकिन आपको मैंने बता दिया, या फिर आप अगर स्टूडेंट हो तो फ्यूचर के लिए ये नाम ना कहीं पे लिख दो कि अगर आपको करना है तो आपको यहाँ जाना चाहिए, सीखना चाहिए। बाय गाइस, गुड नाइट।